नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए सोशियोलॉजी का पेपर। ठीक है, ये पेपर हमारा फर्स्ट पेपर है और ये बीए पॉइंट फर्स्ट मतलब फर्स्ट ईयर के लिए पेपर है। ये 2019 का पेपर है और इसका कोड लिखा आपके सामने 11701 इसका कोड है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा पेपर आता है, उसमें कितने प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्नों का हमें जवाब देना पड़ता है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है सोशियोलॉजी जो है इसका कौन सा वन पेपर है वाला, इसमें लिखा हुआ है देखिए इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है और 50 नंबर का यह पेपर होता है। लिखा है नोट अटेम्प्ट आल सेक्शन एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। अब देखिए आपके सामने खंड आ लिखा हुआ है, ठीक है, खंड ए सेक्शन ए। खंड आ में क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ईच 10 मतलब प्रत्येक आपका प्रश्न जो है वो 10 नंबर का है और लिखा है सभी 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको इस सेक्शन में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे और आपको तीनों के जवाब देने हैं, प्रत्येक के जवाब के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है नंबर एक, आपको ये प्रश्न जो है वो हिंदी में मिलेगा और इसके साथ साथ इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने पहले लिखा हुआ है और पहले में आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 2 में से आपको सिर्फ 1 को ही हल करना है, 1 को हल करने पर आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ के दिखाओ, मैं आपको लिखा है समाजशास्त्र क्या है, इसके अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए, अथवा लिखा है समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो मतलब 2 में से आपको कोई 1 करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप लोग दूसरा देखिएगा, दूसरा भी आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये साथ में ये भी लिखा है। ठीक है, और बीच में लिखा है अथवा, तो इसका मतलब है कि इसमें से भी आपको सिर्फ 1 करना है। अब देखते हैं हम लोग नंबर 3 में क्या है। देखिए नंबर 3 में आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका अथवा वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कहाँ पर है इसका अथवा वाला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है 3 प्रश्न हो गए, 10 नंबर के 3 प्रश्न हमारे हो गए। ठीक, दीर्घ उत्तरी में। अब देखिएगा इसके बाद में सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी मतलब खंड बा, खंड बा में क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न है और 3 ईच मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक है, देखिए आप क्या करना पड़ेगा, लिखा है नंबर 4 अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको सिर्फ 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला लिखा है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध, दूसरा है राज्य किसे कहते हैं, तीसरा है समाजीकरण क्या किसे कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार चौथा है आपका सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार से आपके सामने 8 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 8 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, 8 में से आपको कितने करने हैं, सिर्फ आपको 5 करने हैं। ठीक है, और प्रत्येक 3 नंबर का है। अब देखिए इसके बाद में सेक्शन सी खंड सा की बात करेंगे, लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर का है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का। अब देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ है, नंबर 5 अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न अंग्रेजी में मिलेगा और इसके साथ साथ आपको देखिए कहाँ मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आपका हिंदी में कि दहेज निरोधक अधिनियम का पैद हुआ। ठीक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट हुआ। तो इस प्रकार देखिए पहला हो गया है, देखिए दूसरा देख लिया, दूसरा ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा हमारा लिखा हुआ है जाति की प्रगति क्या होती है। इसी प्रकार देखिए आप लोग तीसरा देखिएगा, तीसरा कहाँ लिखा, ये देखिए तीसरा लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक। और इसी प्रकार देखिए आपका चौथा भी आपके सामने आ गया और देखिए इसके बाद पांचवा देखिए ये लिखा है। ठीक है, पांचवा हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे 5 विकल्प आ गए, 5 नंबर होते हैं। तो टोटल हमारे 50 नंबर का पेपर जो है सोशियोलॉजी का हो गया है। अगर आपको समझ में आ गया हो कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।